हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निशा टिप्स एंड ट्रिक्स में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं हाजिर हूँ फिर से कुछ नए टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर के। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स अपने टिप नंबर पहले को लेकर के। जैसे कि आप देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से हमारे लाइट बोर्ड जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, या फिर जब भी हम अपने घर पर पेंट वगैरह कराते हैं, पुट्टी या पेंट, तो वो कुछ इस तरीके से गंदा कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको हम किस तरीके से क्लीन कर सकते हैं? थोड़े जिद्दी दाग हो जाते हैं जो कि आसानी से नहीं निकलते हैं। तो उसके लिए फ्रेंड्स हमने लेना है कोई भी कॉटन का पुराना कपड़ा, जिससे आप क्लीनिंग वगैरह कर सकते हैं, और उस पर हमें डाल देना है थोड़ा सा हार्पिक। जैसे कि आप देख सकते हैं, थोड़ी सी क्वांटिटी में आपने डालना है, और डालने के बाद में इसको थोड़ा सा इस तरीके से मिक्स कर लीजिएगा कपड़े के ऊपर, और फिर इसको जो है हल्के हाथों से जो है बोर्ड पर लगाइएगा और रब करिएगा। फ्रेंड्स, बिल्कुल भी इसमें आपको ज़्यादा मशक्क़त या मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, और इस टाइम पर आपने जो है ना लाइट को बिल्कुल बंद कर देना है। बिल्कुल भी जो है लाइट ऑन नहीं होनी चाहिए कहीं की भी, क्योंकि करंट वगैरह आने का खतरा हो सकता है। तो इस तरीके से आप जो है सफाई कर सकते हैं अपने लाइट बोर्ड की, बहुत अच्छे से, बहुत जो है प्यारा ये क्लीन हो जाता है, बिल्कुल भी ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। इस तरीके से आप जिद्दी से जिद्दी मैल जो है निकाल सकते हैं। एक हार्पिक की बोतल आपने जो है ना टॉयलेट से अलग रखना चाहिए, जो कि हम घर के और जो है कामों के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए, मैंने जो है सभी लाइट बोर्ड अपने क्लीन कर लिए हैं। बहुत ही अच्छा सा टिप्स है, और बहुत अच्छे से देख सकते हैं आप, सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट में ये जो है अच्छे से जो है क्लीन हो जाएगा। टिप्स अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। बढ़ते हैं फ्रेंड्स ऐसे ही नेक्स्ट टिप के लिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इस तरीके का मैंने जो है ये डस्ट पिकर लिया है, और उस पर मैंने एक पॉली बैग जो है बांध दिया है आगे की साइड से, जैसे कि आप देख सकते हैं। और जब भी हमें घर पे झाड़ू वगैरह लगाते हैं तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारा डस्ट जो है इकट्ठा हो जाता है। तो उसके बाद में हमने करना है इस तरीके से कूड़े को जो है डस्ट पिकर में डालना है, जैसे कि हम नॉर्मली डालते ही हैं। और डालने के बाद में देख सकते हैं फ्रेंड्स, सारा जो कूड़ा है वो बहुत अच्छे से हमारा जो है डस्ट पिकर में आ चुका है। इससे ये होगा फ्रेंड्स कि आपने जो है इस तरीके से पॉली बैग को खोल देना है। जैसे कि फ्रेंड डस्ट पिकर का यूज़ हम करते हैं या ताकि हमारे हाथ जो है गंदे ज़्यादा नहीं हो कूड़े में, तो इसी तरीके से हम जो है यूज़ कर सकते हैं पॉली बैग का, जो कि हम काफ़ी सारी मार्केट से जब भी कुछ सामान लेते हैं काफ़ी ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है, तो इस तरीके से हम उसका यूज़ कर सकते हैं। देखिए सारा कूड़ा जो है बहुत अच्छे से डस्ट पिकर का पॉली बैग में आ गया, बिल्कुल भी हमारे हैंड्स गंदे नहीं हुए। बहुत ही यूज़फुल सा टिप्स है। आप इसी तरीके से डस्टबिन में डालिएगा तो डस्टबिन भी बिल्कुल गंदा नहीं होगा। नेक्स्ट टिप है फ्रेंड्स हमारे सिंक को लेकर के। जब भी फ्रेंड्स हम नाइट में बर्तन वगैरह साफ़ करने के बाद में जो है सिंक को साफ़ करके छोड़ देते हैं, लेकिन कई बार फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि जो भी गंदगी है वो सब नीचे पाइप में जाती है, और पाइप में छोटे छोटे कुछ दिनों के बाद में जो है कीड़े वगैरह हो जाते हैं, जैसे कि कान खजूरा या कोई और भी कीड़ा जो है ऊपर आने लगते हैं हमारे इसी पाइप की थ्रू। तो आपने करना है फ्रेंड्स, नाइट में बर्तन वगैरह क्लीन करने के बाद में आपने कुछ इस तरीके से नमक को डाल देना है अपने सिंक में। नमक डालने से फ्रेंड्स ये होगा, जब भी कोई कीड़ा ऊपर आएगा तो फ्रेंड्स उसकी स्किन पर जब नमक लगेगा तो वो बहुत ज़्यादा जलन पैदा कर देता है, जो है बहुत ज़्यादा उसको नुकसान देता है। तो इस तरीके से आप नमक डाल दीजिएगा तो जो कोई भी कीड़ा आएगा तो वो वापस या तो चला जाएगा, कभी आएगा नहीं, नहीं तो वो जो है नमक की वजह से काफ़ी ज़्यादा इरिटेट होने की वजह से वो मर जाएगा। तो इस तरीके से आपने जो है नमक डाल करके छोड़ देना है, और सिंक में पाइप में भी आप इस तरीके से नमक डाल सकते हैं। और उसके बाद में फ्रेंड्स आपने थोड़ा सा कोलगेट, जो कोई भी आप पेस्ट यूज़ करते हैं, वो डाल करके आपने इसकी जो है सफाई कर देनी है। तो इससे ये होगा फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से हमारे जो है सिंक में चमक आएगी, क्लीनिंग बहुत अच्छे से होगी। ये करने से फ्रेंड्स हमारे जो कीड़ों की समस्या है वो बिल्कुल दूर हो जाएगी, क्योंकि फ्रेंड्स जब कीड़े ही हमारे बर्तन वगैरह खाने की चीज़ों में नहीं आएंगे तो हम भी फ्रेंड्स जल्दी से बीमार नहीं पड़ेंगे। कई बार ऐसा होता है इसी थ्रू से जो है कीड़े आ जाते हैं, और जो भी हमारे किचन में सामान खाने पीने का रखा हुआ होता है तो उसमें वे चले जाते हैं, घूम जाते हैं, और जिसकी वजह से हम जो है काफ़ी ज़्यादा बीमार हो जाते हैं, इन्फेक्शन वगैरह हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपने जो है आप हफ्ते में 1 या 2 बार इस टिप को ज़रूर से फॉलो करिएगा, बहुत ही यूज़फुल सी टिप्स है। आप जल्दी ही अपनी सिंक को ज़रूर क्लीन करिएगा। और नेक्स्ट टिप है फ्रेंड्स हमारे इस तरीके के बढ़हल या कटहल को लेकर के। आपके यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
फ्रेंड जब भी हमें इसकी सब्जी बनानी होती है तो जब भी हम इसको छूते हैं तो इसका जो दूध होता है तो उसकी वजह से वो हमारे हाथों पर लगकर चिपक जाता है और काफ़ी ज़्यादा जो है गंदा लगता है। और जब भी हम इसको कट करते हैं सब्जी बनाने के लिए तो फ्रेंड्स हमारे जो चाकू का यूज़ करते हैं उस पर भी लग जाता है। तो यहाँ पर मैंने फ्रेंड्स यूज़ किया है कुकिंग ऑयल, जैसे कि मैं सरसों के तेल में सब्ज़ी बनाती हूँ तो यहाँ पर मैंने उसी का यूज़ किया है और चाकू पर भी बहुत अच्छे से लगा लिया है और इस तरीके से हाथों पर भी लगा लिया ताकि मेरे हाथों पे बिल्कुल भी बढ़ल या कटहल का जो दूध होता है या जो भी चिपचिपापन होता है वो बिल्कुल भी हाथों पर ना लगे। और इस तरीके से फ्रेंड्स हम जो है बहुत अच्छे से इसको कट कर सकते हैं। तो इस टिप को आप पहले से जानते थे या फिर वीडियो देखने के बाद ही आपको मालूम हुआ? अगर जो ये टिप्स भी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप पहले से जानते थे ये भी मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, या आप किस टिप के थ्रू बढ़ल को कटहल को कट करते हैं वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कोई भी इस तरीके का टिप्स या कोई सजेशन हो आप लोगों के पास में तो उसको भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं इसी वीडियो के थ्रू कुछ और लोगों तक जो है उस टिप को जो है शेयर कर सकती हूँ ताकि फ्रेंड्स सभी की हेल्प होनी चाहिए, सभी को किचन की ये छोटी छोटी टिप्स मालूम होनी चाहिए ताकि हम जो है बहुत आसानी से अपने किचन का, घर का जो है क्लीनिंग का या घर का अच्छे से काम बहुत जल्दी से निपटा सकें। तो ये देखिएगा फ्रेंड्स बिल्कुल भी ये हाथों पर नहीं चिपक रहा है। अगर जो आपको लगता है कि थोड़ा सा चिपकने लगा है आप फिर से थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लेकर इस तरीके से लगा सकते हैं और इस तरीके से आपने जो है बहुत अच्छे से इसको कट करके सब्जी बना लेना है। ये टिप्स भी आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ऐसी ही वीडियोज़ मैं लाती रहती हूँ। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये टिप्स बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। आपने देखा ही हो आपको कौन सी टिप्स सबसे ज़्यादा अच्छी लगी मेरे को वो भी कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने सभी को जो है छोटे पीस में कट कर लिया है ताकि मैं इसकी अच्छे से सब्जी बना सकूं। नेक्स्ट टिप है फ्रेंड्स हमारे इस तरीके के, जब भी हम जो है जर्दा वगैरह बनाते हैं तो आपने देखा होगा कि इस तरीके से पानी बॉईल होने देते हैं चावल बनाने के लिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स कुछ लोग ऐसे करते हैं कि जो कलर होता है, जो भी आप जर्दे का कलर खाना पसंद करते हैं तो उसको मिक्स करने के बाद में हम जो है चावल डालने के बाद डालते हैं, लेकिन फ्रेंड्स वो जो तरीका है वो गलत है। आपने पहले ही कटोरी में जितना कलर आपने यूज़ करना है वो कलर एक कटोरी में जो है अच्छे से घोल बना लेना है, उसका बिल्कुल भी बबल्स नहीं होने चाहिए। और जब पानी में उबाल आने लग जाए उसमें तब डालिएगा तो देखिएगा फ्रेंड्स बहुत अच्छा सा इसमें एक रिएक्शन सा उठता है और उसके बाद में सभी पानी में बहुत अच्छे से ये जो है कलर वो फैल जाता है। जब भी हम इसमें चावल अपने डालेंगे तो फ्रेंड्स वो सभी चावलों पर बराबर जो है कलर लगता है, ऐसा नहीं होता है कि कुछ पे ज़्यादा तेज़ हो गया कुछ पर जो है बिल्कुल हल्का रह गया, तो उस चीज़ वो चीज़ नहीं हो पाती। इसलिए कलर जब भी आप डालो तो पानी में पहले ही डालना चाहिए। सेकंड टिप से फ्रेंड्स इस तरीके का थोड़ा सा खड़ा मसाला आप ज़रूर ऐड करिएगा पानी उबालते टाइम पर या चावल पकाते टाइम पर इस पर, तो इससे ये होगा फ्रेंड्स बहुत अच्छे से खुशबू आएगी। और जब भी इन चावलों का पानी निकालोगे आप इस तरीके से गरम मसाला ज़रूर निकालिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट।